बच्चों कक्षा 10 में मैं आपको एनसीईआरटी किताब के सवाल कराने के साथ साथ मैं आपको कुछ प्रश्न अपने पास से दूसरी किताबों से कराऊंगा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप लोगों को क्या करना है कि एनसीईआरटी किताब के क्वेश्चन तो फेयर कॉपी पे नोट करोगे और साथ में मैं जो अतिरिक्त क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी किताब में नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर ढंग से इन क्वेश्चंस को भी नोट्स में अपने नोट्स में नोट करोगे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पेपर्स में आ सकते हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आपको ये भी तैयार करने हैं, ठीक है। तो इनको भी आप नोट्स में नोट करते रहेंगे। क्वेश्चन है, एक्स और वाई दो व्यंजक हैं, तो पहला व्यंजक एक्स है, दूसरा व्यंजक वाई है, जिनके मासा और लासा क्रमशः एच और एल है। तो मासा का मान एच है, लासा का मान एल है। यदि बोला है एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस एल, तो कह रहे सिद्ध करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस एल क्यूब। देखो तो कैसे सिद्ध करेंगे। पहले हम दो व्यंजक दिए हैं, मासा लासा दिया है, तो दो व्यंजक और मासा लासा में सामान्य का सूत्र लगा रहे हैं कि पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर मासा गुणा लासा। ये हमने दो व्यंजक और उनके मासा और लासा में संबंध का सूत्र लिखा। पहला व्यंजक एक्स इंटू दूसरा व्यंजक वाई बराबर मासा है एच इंटू लासा है एल। तो एक समीकरण बन गया हमारे पास, एक्स इंटू वाई बराबर होगा एक्स प्लस एल। हमें दिया है x प्लस वाई बराबर एच प्लस एल, ये हमें दिया है, इसे हम समीकरण दो कह दे रहे हैं। हमें सिद्ध करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस एल क्यूब। बच्चों हमें यहाँ पर तीन तीन खाते लानी है x और y की। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें समीकरण दी हुई है यहाँ तीन तीन खाते लाने के लिए हम दोनों पक्षों में धन कर देंगे, दोनों पक्षों में धन कर देंगे। घन करने पर क्या होगा, इधर x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x प्लस एल का होल क्यूब। अब होल क्यूब हम a प्लस बी के सूत्र से बोल सकते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। इस सूत्र को लें, x को पढ़ लेंगे a, वाई को पढ़ लेंगे b, तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाओ। पहले a क्यूब तो पढ़ेंगे a, सूत्र हम ये लगा रहे हैं, पढ़ेंगे a लेकिन लिखेंगे x, पढ़ेंगे y, सॉरी पढ़ेंगे b लेकिन b के जगह y, तो b के जगह y लिखेंगे। पहले a क्यूब तो ये x क्यूब प्लस b y क्यूब, b क्यूब करो तो b की जगह y, y का क्यूब प्लस b a b, तो a की जगह x और b की जगह y इंटू a प्लस b, तो x प्लस y। और बराबर में इसका भी होल क्यूब ए प्लस बी से सूत्र खोलो, लेकिन ए की जगह एक्स और बी की जगह एल लिख दो, तो ए क्यूब प्लस ए बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, तो थ्री एच एल इंटू ए प्लस बी, तो एच प्लस एल। अब देखो आंसर सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस थ्री, समीकरण एक से एक्स इंटू वाई बराबर है एच इंटू एल, तो हम एक्स इंटू वाई के लिए एच एल लिखते हैं, और समीकरण दो से x प्लस वाई बराबर है x प्लस एल के, तो हम x प्लस वाई के लिए यहाँ x प्लस एल लिखते हैं। और ऐसा लिखने से बच्चों थ्री एच एल इंटू एच प्लस एल, देखो ये वाला पद थ्री एच एल इंटू एच प्लस एल दोनों पक्षों में बराबर हो गया, ये पद दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर x क्यूब प्लस एल क्यूब। ये आपको जो सभी करा रहा हो गया बच्चों, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और आता है। ये आप करोगे कि बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन होगा कि एक्स और वाई दो व्यंजक हैं जिनके मासा और लासा एच और एल है, यदि एक्स प्लस वाई बराबर एच प्लस एल, यही तक सवाल सिद्ध होगा। और सिद्ध करने को देगा तो मैं सिद्ध करो, और सिद्ध करो में ये फर्क कर देंगे, सिद्ध करो में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये सिद्ध कराएंगे। तो
तो जहां तीन खाते लिखेंगे वहां दो खातों में शुद्ध कराएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, लेकिन इसे आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि एक्स और वाई को वेक्टर हैं जिनके मास और आशा एच एल है, यदि एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस एल, तो पहले सिद्ध करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसे सिद्ध करते हुए खाली आपको एक काम करना है, बिल्कुल सेम मेथड से करोगे, पहले दोनों व्यंजकों की गुणा बराबर मासा इनटू लासा सूत्र लगाओगे, ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस एल लेके चलोगे, और हमें अब घातें दोनों लानी है, तो जहाँ पिछले सवाल में हमने दोनों पक्षों में घन किया था उसकी जगह आप दोनों पक्षों में वर्ग करोगे, और जब वर्ग करोगे दोनों पक्षों में तो बच्चों ये वाला आंसर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अबकी बार ये वाला सवाल सिद्ध करना है, तो ये सवाल आप स्वयं सिद्ध करके देखोगे, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, और अगर नहीं हो पाए तो मेरे इनबॉक्स में आप मैसेज करके बता देना, मैं सॉल्व दोबारा करूँगा, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान रखना है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके लाना है, तो जहाँ मैंने दोनों पक्षों में घन किया था उसकी जगह आप दोनों पक्षों में वर्ग करके इस सवाल को हल करोगे। जो मासा और लासा का ही आ रहे थे ये प्रॉब्लम, यदि एक्स और वाई संख्याओं का, मतलब आपके दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, इन संख्याओं का मासा और लासा तीन और 105 है, मतलब मासा तीन है इनका और लासा एक्स और वाई का 105 है, और ये दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 3600, तो हमें सिद्ध करना है 1/x प्लस 1/y बराबर 4/35। देखो ये कैसे होगा, पहले मैंने दोनों व्यंजकों और मासा लासा का संबंध बनाया, पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर मासा गुणा लासा, तो पहला व्यंजक है एक्स इंटू दूसरा व्यंजक वाई बराबर मासा है 3 गुणा लासा है 105, तो एक्स इंटू वाई बराबर समीकरण दे जाएगी गुणा करो 3×15 असले 300 असले का एक इसे मैंने कह दिया समीकरण 8, और आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 36, ये हमें दिया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 1/x प्लस 1/y लाने के लिए मैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं समीकरण 2 को, तो x प्लस वाई बटे एक्स वाई, समीकरण 2 ऊपर रख रहा हूँ समीकरण 1 देखो, समीकरण 2 का मान 36 ऊपर और बटे समीकरण 1 का मान 315 नीचे। अब इसमें बच्चों x प्लस वाई में एक्स वाई का भाग हो रहा है, तो एक्स वाई का भाग इन दोनों में हो रहा है, तो दोनों में अलग अलग कर दे रहे हैं, एक्स बटे एक्स वाई प्लस वाई बटे एक्स वाई, और बराबर 1 ये कट रहे हैं हम काट में 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 3×15 और कर रहे हैं 3×4 = 12, 3×3 = 9, 1/3×15 4/35। अब देखो यहाँ क्या हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल और यहाँ वाई से वाई कैंसिल, 3×1/y प्लस 1/x = 4/35, या इसी को सीधे टर्म में लिख दो, 1/x और